पिछड़ा वर्ग के बढ़ाए गए आरक्षण पर हाईकोर्ट के जरिए रोक लगाने के लिए लिए गए फैसले से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। आरक्षण पर लगी रोक के बाद नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का मुख्यमंत्री बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने धर्मलाल कौशिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब आरक्षण लागू किया गया था तो एक भी भाजपा के नेताओं ने बयान नहीं दिया, लेकिन कल 69% आरक्षण हो गया तो उसके बाद अचानक धर्मलाल कौशिक का बयान आ गया है। अभी तक वो क्यों चुप थे और यदि पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को आरक्षण पर आए फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को आरक्षण मिले ये सरकार की नीयत ही नहीं है। कल जब 70% जब आरक्षण हो गया जो देश में सर्वाधिक है, उसके बाद धर्मलाल कौशिक नेताजी का नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। इतने दिन तक चुप क्यों थे? और यदि पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो उनको समर्थन करना चाहिए, चुप क्यों थे आज तक?